नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा तहसील के अंतर्गत ग्राम बिलधारी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक बाबा नर्मदा तट पर जल समाधि लेने की फिराक में थे, तभी पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मामला नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बिलथारी का है, जहां जल समाधि लेने के लिए एक बाबा जी ने पूरी तैयारी कर रखी थी। जल समाधि लेने के लिए बकायदा गांव में ग्राम कोटवाड़ा के द्वारा मुनादी भी कराई गई थी। बाबा जी कई वर्षों से नर्मदा के तट पर रह रहे थे। बाबा पट्टी वाले बाबा के नाम से काफ़ी मशहूर हैं। बाबा ने आज अपने जीवन का वह कार्य करने का मन बना लिया था जो शायद किसी ने सोचा नहीं था। जैसे ही तेंदुखेड़ा पुलिस और प्रशासन को इस मामले की जानकारी मिली तो मौके पर तेंदुखेड़ा तहसीलदार पंकज मिश्रा, SDOP मेहनती मरावी, थाना प्रभारी सवाना परवेज, पुलिस बल के साथ ग्राम बिलथारी जा पहुंचे। बाबा जी को पुलिस ने बल अपराधियों की तरह गाड़ी में डाल के तेंदुखेड़ा ले गई और अस्पताल में उनका इलाज करवाया। जब इसके बारे में डॉक्टर हरे कृष्ण मिश्रा को जानकारी लगी तो उन्होंने बताया कि बाबा जी तो फिट है। जब इसके बारे में SDOP तेंदुखेड़ा ने जानकारी मांगी तो वह बोली, ग्राम कोटवाड़ के माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त हुई थी कि बाबा बिलथारी घाट नर्मदा नदी में जल समाधि लेने वाले हैं। पुलिस प्रशासन बाबा जी को अपराधियों की तरह थाना तेंदुखेड़ा लेकर आई। जब इसके बारे में थाना प्रभारी सवाना परवेज तो उन्होंने इस मामले को धार्मिक बताते हुए किसी प्रकार की जानकारी देने से मना कर दिया। हिंदू धर्म से आस्था रखने वाले भक्तों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। जब इस मामले में बाबा जी से पूछा गया कि जल समाधि ले रहे थे या नहीं तो वह बोले, अभी तो भंडारा चल रहा था, 4 बजे के आसपास जल समाधि लेने वाला था, परंतु पुलिस बल अपराधी की तरह हमको थाना तेंदुखेड़े ले आई, साथ ही 2 दिन तक अस्पताल में रखने का बोल रही है, जबकि मैं तो फिट हूँ। यदि बाबा जी 2 दिन बाद जल समाधि लेते हैं, इसका जवाबदार कौन होगा? पुलिस नहीं दे रहा इसके बारे में कोई भी जानकारी। क्या नाम है आपका? तालिक। कहाँ के रहने वाले? पंजाब। शरीर तो है उत्तर प्रदेश के आसाम पंजाब। अभी बेलथारी में आप भंडारा करा रहे थे क्या? भंडारा है, पूनम चलता जी, हर महीने। तो वहाँ से आपको पुलिस लेके क्यों आई यहाँ पर? अब वही चल जाए, आप कहाँ बताओ। पॉइंट पॉइंट चलो तो चले। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपको समाधि लेना थी, ये बात सही है कि नहीं? नहीं, समाधि तो सोचे थे बेटा, हम समाधि लेंगे, तो समाधि नहीं लेना, नहीं लेंगे। तो आप कब लेना चाह रहे थे? कितने बजे लेना चाह रहे थे आप समाधि? शाम को 4 बजे। तो आपको पुलिस कितने बजे उठा के लेके आई? पुलिस तो सुबह रही से वही था। तो आपने किसी से बोला था क्या समाधि ले रहा है? अरे बैठे अपने भगत जगह से बोल, सबसे हो रहा था जो भगत जगह। तो आप समाधि लाने क्यों चाह रहे हो? अब कुछ नहीं हुआ, का कहा ऐसा कुछ नहीं। 10 दिन 15 दिन, 2 महीना, 4 महीना, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कोई फर्क नहीं। पहले कभी समाधि ली है? कभी नहीं। तो पुलिस आपके लिए आरोपी की तरह लेके आई है? जी, आपने मना नहीं किया? मैं नहीं जाऊंगा। अब कहते थे चलो, हम आ गए। तो आपको जबरदस्ती उठा के लेके आई पुलिस? जबरदस्ती चलो, तो हम चले। समझने की चलो चले जबरदस्ती। आप अपनी सुरक्षा से समाधि लेना चाह रहे थे? हाँ, हमें खुशी से आसन होकर मैया कर आ जा। तुमने ग्रह में देने आज मंजूर किया था कि 4 बजे लेंगे। चरण सिंह पटेल। कहाँ के निवासी हो? ग्राम डोभी। क्या हुआ था बाबा जी के साथ? बाबा जी की जानकारी मिली थी हमारे लिए। क्या जानकारी मिली आपको? लोगों के फोन आया था हमारे पास, को समाधि लेना चाहते 4 बजे। तो हम असली इनके शिष्य हैं, तो इस लोगों ने हमें खबर दी थी, आप ही समझा सकते। कहाँ के बाबा जी हैं? बाबा जी तो जहाँ से भीमन बिलथारी रहते हैं, करीब करीब 7 साल से। कैसी जानकारी मिली आपको? बाबा जी समाधि लेना चाहते। कितने बजे? 4 बजे का समय। पुलिस इसको उनको उठा के ले आई? हाँ, पुलिस को जानकारी मिल गई, पुलिस लेके आई। किस पद पर है आप? मेडिकल ऑफिसर। अभी वो बिलथारी से बाबा जी को लेके आई है पुलिस, उनको क्या बीमारी है? बाबा कलगिरी, उम्र 60 साल, को पुलिस द्वारा यहाँ पर कमजोरी की शिकायत के लिए भर्ती कराया गया था। अभी ऑब्जर्वेशन में है, 2-3 घंटे को देख के अगर स्थिति सामान्य लगती तो उनको छोड़ दिया जाता है। क्या लगता है आपको, उनकी स्थिति गड़बड़ है कि दिमाग की हालत कुछ? नहीं, अभी स्थिति तो सामान्य प्रतीत हो रही है, ऑब्जर्वेशन में है अभी 2-3 घंटे। तो आप उनको भर्ती रखेंगे कि छुट्टी दे देंगे? अगर स्थिति सामान्य होती है 2-3 घंटे अंदर तो छोड़ दिया जाएगा। सर आज जो बिलथारी में
महात्मा जी संत जी गए जो भी वो भंडारा करा रहे थे और पुलिस प्रशासन वहाँ पहुंचा और उनको जबरदस्ती वहाँ से उठा के ले आया। सर क्या वजह? ये बात सही है, हमें जो है हल्का पटवारी के द्वारा एवं एक दो और ग्रामीणों के द्वारा ये खबर दी गई कि जो एक बाबा जी हैं, महाराज जी हैं कहें, उनका नाम है फट्टी वाले बाबा जी, उनके द्वारा गांव में ये प्रचारित कर दिया गया था कि आज वो शाम को 4 बजे जल समाधि लेंगे। क्योंकि भंडारा उनके द्वारा नहीं किया जा रहा था, भंडारा वहाँ हमेशा होते रहता है, ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा था, वहाँ भीड़ इकट्ठी थी और उनका इस प्रकार का कृत्य जो है या कहना या इस प्रकार का एक फैलाना कि वो जल समाधि लेंगे, तो इसकी सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन मैं स्वयं गया था और उन्हें समझाइश दी गई। यद्यपि वो मान गए कि मैं ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करूंगा, लेकिन वहाँ की भीड़ को देखते हुए और बाबा जी का कहीं फिर से परिवर्तन न हो जाए कोई विचार, तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से उनको ले आया गया तेंदुखेड़ा में और हॉस्पिटल में, ताकि उनका स्वास्थ्य के लिए परीक्षण करा के। सर क्या उनके लिए मुलजिमों की तरह गाड़ी में पीछे बिठा के लाना क्या उचित था सर? नहीं देखिए, गाड़ी में बैठा के लाया गया, मुलजिम की तरह नहीं लाया गया, क्योंकि हम वो एक जो भी कहें तो एक बाबा जी हैं, परिक्रमावासी हैं। सर मार्शल गाड़ी में जिसमें मुलजिमों को बैठाया जाता है पीछे, उसमें टोटल हवालदार थे और पीछे बैठे हुए थे, मैंने खुद ने देखा, क्या इस तरीके से उनको लाना उचित था? नहीं अब देखिए, ये तो आपका परसेप्शन है, आपका वो है कि गाड़ी में पीछे बैठने वाला मुलजिम ही होता, पीछे भी सीट है। यदि पुलिस ने, हालांकि मेरे को जानकारी नहीं है कि पुलिस ने पीछे बैठाया था कि कहाँ बैठाया, लेकिन यदि पीछे बैठा के भी लाया तो वो कोई ऐसा नहीं है कि हम उनको कोई आरोपी या कोई मुलजिम ट्रीट कर रहे हैं, केवल सुरक्षा के लिए उनको हम यहाँ ले आए हैं। सर इसी मामले में हमने TI मैडम से हमने कुछ जानना चाहा, लेकिन उन्होंने कोई भी जानकारी देने से हमको इनकार कर दिया। नहीं नहीं देखिए, जानकारी तो देनी चाहिए, आप जो कहना चाहिए, आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ है, आपकी जानकारी में हर चीज रहना चाहिए, आप भी निष्पक्ष एनालिसिस करें हर चीज की। जी मैं मोहन मरावी, SDOP तेंदुखेड़ा। आज जो बिलधारी घाट पर जो बाबा जी के साथ जो घटना हुई है जी, बाबा जी को आप पुलिस थाने लेके आए हैं, किस वजह से? एक्चुअली सुबह ये सूचना मिली थी कि बाबा जी जल समाधि ले रहे हैं, उनको बाबा जी को कॉल आया कि मतलब माता जी खुद बुला रहे हैं, तो उसी पर से ये उन्होंने जो भी मुनादी या जैसा भी कराने को हो वो, तो यहाँ पुलिस में सूचना आई थी कि बाबा जी आज 4 बजे जो है जल समाधि लेने वाले हैं, जिस पर से मैं और थाना प्रभारी और तहसीलदार साहब मौके में गए हुए थे और उन्हें पूरी समझाइश दी, पूरा समझाया, तो बाबा जी मान गए और उनके स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण तहसीलदार साहब ने इनको चलो एडमिट कराने के लिए यहाँ पर लेके आए और हॉस्पिटल में एडमिट। बाबा जी का आरोप है कि पुलिस प्रशासन जोर जबरदस्ती करके लेके आए? नहीं, ऐसा ये कहना गलत है, हम लाके जो है उसको एडमिट कराए। आपको सूचना किसके द्वारा प्राप्त हुई थी बाबा जी जल समाधि लेने वाले? एक्चुअली मुझे तो थाने के माध्यम से प्राप्त हुई थी, तभी और तहसीलदार साहब भी गए हुए थे मौके पे। आगे चल के जैसे बाबा जी अगर समाधि लेते हैं तो उसकी जवाबदारी किसकी रहेगी? देखिए अगर ऐसा वो करते हैं तो अगर प्रशासन के संज्ञान में आएगा तो इसमें जो है, चूंकि ये अपने उसमें है नहीं है, तो उसको रोका जाएगा अगर संज्ञान में आएगा। बहन के किसी की सूचना पे हम धार्मिक व्यक्ति को जो भंडारा चला रहे हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम अपराधियों की तरह गाड़ी में बिठा के लाते हैं, क्या ये सही है क्या? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल सही नहीं, लेकिन चूंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है थी और मौके पे तो लाके एडमिट कराए। मैडम मैंने देखा बाबा जी को मार्शल में पीछे बैठा के लेके आ रहे थे, गाड़ी में तो ये जैसे कि मुलजिम की तरह लेके आते हैं। नहीं, गाड़ी में तो फिर बैठा के लाए है ना, गाड़ी में बैठा के, गाड़ी पे पीछे बैठा के लेके आए हैं, गाड़ी में बैठा के लाए हैं, बात सही है, ये सही है, गाड़ी में बैठा के लाए, गाड़ी में तो लाए मैडम, मार्शल में पीछे जिसमें कि आरोपियों को बैठा के लाया जाता है उसमें इसी जगह पे बैठा के गाड़ी में तो लाए हैं, ये बात सही है, गाड़ी में लेके आए। और जब आपने तेंदुखेड़ा TI सवाना परवेज से जब जानकारी मांगती है तो उनका साफ तौर से कहना रहता है कि धार्मिक काम में मैं किसी प्रकार की बाइट नहीं दूंगी, आप उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए वो तो
थ्रेट कर दो।